मॉड्यूल 202 जीरो प्रेवलेंस एंड कोमोबिलिटी ऑफ एनोरेक्सिया नवोसा सो ना वी विल ट्राई टू सी कि एनोरेक्सिया नवोसा की प्रेवलेंस जो है वो जनरल पॉपुलेशन में कितनी है एज वेल एज जेंडर इन रेफरेंस टू जेंडर उसकी प्रेवलेंस रेट जो है वो हमें क्या मिलता है को देखना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हमें ये पता चल सके कि अगर कोई डिसऑर्डर को अक्र कर रहा है उसके साथ तो वो कौन सा है और उसकी मैनेजमेंट जो है वो हम कैसे करेंगे और उसकी पॉसिबल कॉसिज़ जो हैं वो क्या हैं सो द फर्स्ट वन हैज़ द प्रावलेंस जब हम ट्वेल्व मंथ प्रावलेंस देखते हैं एनोरेक्सिया नवोसा की तो वो यंग फीमेल्स में जो रिपोर्टेड हैं वो पॉइंट फोर परसेंट है ठीक है और अगर हम जेंडर वाइज देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो मेल हैं उनके अंदर एनोरेक्सिया नवोसा बहुत कम है जो कि फ़ीमेल जो हैं उनके अंदर ज़्यादा है मेल और फीमेल की जो रेशो है वो फीमेल टू मेल टेन टू वन परसेंट है ठीक है यानी अगर दस फीमेल्स हैं तो एक जो है वो मेल होगा इसके अंदर अगर हम स्टडीज फाइंड आउट करें तो मोस्टली ये कहा जाता है कि ऐसे मेल्स या फीमेल्स जो के होमोसेक्सुअल्स होते हैं उनके अंदर सर्टेन टाइम ये टेंडेंसीज जो हैं वो एनोरेक्सिया नर्वोसा की ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं ठीक है तो इट मे पॉसिबल और ये चीज़ जो है वो ज़्यादा था मेल के अंदर देखी गई है जो मेल्स होते हैं अगर वो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हों तो उनके अंदर एनोरेक्सिया नवोसा के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट किए गए हैं देन द कोमोबिडिटी कोमोबिडिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें मूड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं इट मे पॉसिबल के अगर एक क्लाइंट है और जिसको एनोरेक्सिया नवोसा है वो अपने साथ एक अलग से मेजर डिप्रेसिव एपिसोड भी रिफ्लेक्ट कर सकता है मैनिक एपिसोड भी रिफ्लेक्ट कर सकता है हाइपोमैनिक एपिसोड भी रिफ्लेक्ट कर सकता है यानी बायपोलर डिसऑर्डर होने के चांसेस भी हैं और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होने के भी चांसेस हैं इसके साथ साथ एनजाइटी डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो है सोशल एन्जाइटी इन लोगों के अंदर देखने में आती है के उसके सिम्टम्स जो मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं इन एडिशन टू एनोरेक्सिया नावोसा इसी तरह दे मे टाइम एक्सपीरियंस डिफरेंट फोबियाज विच यू ऑल्सो सी इन दिस चिल्ड्रन और इसके साथ साथ सर्टन टाइम इट मे पॉसिबल कि पैनिक डिसऑर्डर जो है वो भी वो रिपोर्ट करें लेकिन ज़्यादातर जो केसेस रिपोर्ट किए के जाते हैं उनमें जो रेशो ज़्यादा है वो सोशल एन्जाइटी की है then we will talk about the obsessive compulsive disorder और obsessive compulsive disorder जो है वो independently भी इन लोगों के अंदर देखा गया है लेकिन ये ज़्यादातर restrictive type में ज़्यादा देखा जाता है ठीक है यानी जहाँ पर purging वाली जो है activity ना हो रही हो then जो alcohol use disorder है या different substances हैं और वो mostly देखे गए हैं binge eaters के अंदर या purging type के अंदर तो जो ओ है वो ज़्यादातर किस टाइप में मिलेगी आपको रिस्ट्रिक्टेड टाइप में और जो अल्कोहल यूज है या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है वो ज़्यादातर आपको मिलेगा परजिंग टाइप के अंदर ठीक है तो मोस्टली जो टीन एजर्स होते हैं दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट थिंग्स तो इट मे पॉसिबल कि अगर वो एनोरेक्सिया नोसा को डील कर रहे हैं या उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके साथ साथ वो कोई सब्सटेंस जो है वो भी यूज़ करना शुरू कर दें तो इस फॉर्म में हमें जो ड्यूअल डायग्नोसिस है वो देने पड़ेंगे तो को का मतलब हमेशा ये होता है कि इन एडिशन टू दिस डिसऑर्डर एन अदर डिसऑर्डर कैन एग्जिस्ट तो इसका मतलब ये है कि वी विल गो टूवर्ड्स द ड्यूअल डायग्नोसिस थैंक यू